What's up guys, welcome back to my channel. This is TK Thakur. चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस के कल के एपिसोड की। कल का एपिसोड कुछ खास ही धमाकेदार रहा क्योंकि देवोलीना ने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि देवोलीना को इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत क्या थी, वो भी 3 घंटे बाद। घर में एक बात होती है, उसके ऊपर डिस्कशन करता है किस चीज़ का मुद्दा बनाया जाए और किस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। अगर उसकी टाइमिंग में गड़बड़ हो जाए तो वो फेक लगने लगता है। यही बात हुई देवोलीना के साथ, क्योंकि घर में कोई मुद्दा था नहीं। घर में जिस तरीके से देवोलीना रूबीना और राखी का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसकी ये हरकत आज दिख कर सामने आ गई। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि देवोलीना टिकने के लिए कुछ भी कर रही है, वो मेंटली डिस्टर्ब वाला एक्टिंग जो कर रही है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही आज भारी पड़ गया। हुआ क्या, सबसे पहले सुबह का जो बर्तन का ड्यूटी होता है वो किसी ने भी अच्छे से नहीं किया हुआ था। राखी और देवोलीना की वो ड्यूटी है, दोनों ने हाथ खड़े किए हुए थे और खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं थे, जिसके लिए देवोलीना बोल रही थी कि अगर वो राखी से माफ़ी मांगेगी, रूबीना राखी से माफ़ी मांगेगी तभी वो काम करेगी। तो रूबीना ने भी बड़ा दिल रखते हुए देवोलीना का पासा उसके ऊपर ही पलटी कर दिया और उसने माफ़ी मांग ली बड़े अदब से, और जूते मारते हुए उसने माफ़ी मांगी जो कि उसने काम करवा लिया। इसके साथ साथ ही अर्शी भी बीच में कूदी हुई थी बातों में, जो लड़ाई चल रही थी बातों ही बातों में, उसके बीच में देवोलीना ने कुछ ऐसी बात कह दी कि अर्शी को आगे से कहना पड़ा कि जिसका जो करीबी होता है अगर वो मर जाता है तब भी पता चलता है। तो मुझे नहीं लगा कि अर्शी ने कुछ ज़्यादा गलत बयानी की हुई थी, लेकिन उस वक्त तो देवोलीना को रिएक्ट नहीं किया कि तुमने ये क्या बोला, ऐसा क्यों बोला, उस वक्त रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उस वक्त देवोलीना भी उसको गलत बोल चुकी थी। लेकिन 3 घंटे बाद उसका इतना हाईलाइट मुद्दा बनाया इन्होंने, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया कि ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन अर्शी को कम और रूबीना को ज़्यादा गाली निकाल रही थी, क्योंकि रूबीना जो सच्चाई की देवी बनती है उसने भी कुछ नहीं बोला, मुद्दा ये था। हालांकि आप सोच सकते हो कि आपकी लड़ाई किसी और से हो और आप गाली किसी और को दे रहे हो तो आपको साफ पता चल जाएगा कि आप फेक पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रहे हो। तो यही कहीं मुझे लगा कि देवोलीना की गलती हो गई। उसने अपना जो ड्रामा दिखाया, चंडी अवतार दिखाया, और किसके लिए, क्योंकि उसका बाहर कोई अजीब सा तो नाम है, मीन चमेली झुमकी क्या बोल रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मीन तो वो बीमार है बाहर, तो मुझे लगा कि शायद उसकी बेटी है। मैं ऑडियंस को भी ऐसे ही लगा कि शायद उसकी बेटी है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके घर में एक फीमेल डॉग है जिसकी वो बात कर रही है। इतना रिएक्ट, मतलब इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए किसी को कि वो मर जाएगी, वो बीमार है, वो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन अगर कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ दिखने के लिए ही कर रहा है। तो ये कहीं देवोलीना की बात इतनी ज़्यादा नागवार गुजरी मुझे। और उसके बाद जिस तरीके से राखी ने रिएक्ट किया, राखी का बोलने का जो पैटर्न है, जो कल से राखी दिख रही है, हालांकि मैं आपको बता दूं थ्रू आउट इस सीज़न में मैंने उसकी अच्छाई की है, बंदी ने अच्छा इंटरटेन भी किया है, लेकिन 2-3 दिन से जो वो इरीटेट करने लगी हुई है, उसने वाकई ही इरीटेट की हदें पार कर दी हैं। अर्शी ने सीधा ही पूछा था कि राखी दोपहर का खाना कब तक बन जाएगा, तो बोलती कि कल सुबह जब तुम उठोगी तुम्हें मिल जाएगा गूंग के पराठे। इतना ज़्यादा वाहियात, मैं अगर बोल रहा हूँ तो आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, सुनिए सोचिए कि राखी ने जब ये बोला होगा और गूंग के पराठे, मतलब कैसे कोई बोल सकता है, आप खाने वाली चीज़ों को कैसे बोल सकते हो। तो यही मुझे थोड़ा सा, जो निकी ने बोला कि तुम अपने घर वालों को भी ऐसे ही बोलती हो, तो मेरे कहना यही था कि तुम अपने घर वालों को भी यही खिलाती हो। मतलब सोचिए, अगर कोई आपको बोल रहा है कि इतनी वाहियात चीज़ों के गोबर के ऊपर इतना इन्होंने किया था कि गोबर हलवे को गोबर कैसे बोल सकते हैं, तो पराठे को गूँ बोलना जायज़ रहेगा, मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी, मतलब गूँ के पराठे, मतलब आप मान सकते हो कि इतना ज़्यादा वाहियात लैंग्वेज यूज़ की जा रही है नेशनल टीवी के ऊपर, और ये बोल रहे हैं कि हमारी आने वाली जो ऑडियंस है, जो पीढ़ियाँ हैं, वो क्या सीखेंगी इन सेलिब्रिटीज से कि गूँ के पराठे होते हैं, गोबर का हलवा होता है। बोलो, निकी के गोबर कहने पे इतना ज़्यादा बवाल किया था सोनाली फोकट ने, और
इसके गुं कहने पे किसी ने कोई बवाल ही नहीं किया। मुझे लगा था यहाँ पे मुद्दा बनना चाहिए था। राखी इस हफ्ते इतनी ज़्यादा गलत जा रही है और देवोलीना को भी वो भी पंप कर रही थी बार बार, तो मुझे लगा कि आज वीकेंड का बार है, आज सलमान खान कुछ ना कुछ राखी को डांटेंगे ही डांटेंगे। और ऊपर से जिस तरीके से उसकी हरकतें हैं, लैंग्वेज है, इतनी ज़्यादा घटिया और वाहिया चलती जा रही है कि कोई उसके आगे क्या बोले, लोग डरते हैं उससे बात करने। पता नहीं कौन सा घटिया ये वर्ड यूज़ कर देंगे जिसका हम जवाब ही ना दे पाएँ, जबकि उससे घटिया तो हम सोच ही नहीं सकते ना, तो जवाब क्या होगा, उससे घटिया हमने कुछ बोला नहीं, तो इस दिन हम डर गए, तो इससे बेटर है कि उस बंदे से दूर रहो। तो यही चीज़ बिग बॉस में देखने को मिल रही है, राखी की घटियापंती, राखी की घटिया लैंग्वेज का कोई भी तोड़ नहीं है। और देवोलीना जिस तरीके से उसके उसमें आकर जो चीज़ें हरकतें कर रही है, वो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि गेम में बचे रहने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करोगे। तो देवोलीना का यही रूप मुझे समझ में आया। और आज बिग बॉस में सलमान खान किसको कितना लताड़ते हैं और क्या क्या बोलते हैं, क्या रुबीना की भी क्लास लगेगी, ये मैं बताऊंगा आपको कल के वीडियो में। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो का इंतज़ार करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देवोलीना और राखी की क्लास आज लगना जायज़ है। अगर नहीं लगी तो देवोलीना तो नहीं देख रही है, राखी तो नहीं देख रही है। कल के एपिसोड में मैं उनकी भरपूर क्लास लगाऊंगा और क्या सलमान बोलते हैं, उसका निचोड़ क्या होता है, ये मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।